हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माकी बावर्ची। आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही डिलीशियस सी, वो भी जल्दी बन जाने वाली चिकन बंस बनाने वाली हूँ, वो भी थोड़े इंग्रेडिएंट में अवन में बताने वाली हूँ। इंशाल्लाह आपको मैं बग़ैर अवन के भी बताऊँगी। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर एक पाव पानी, 250 ml नीम गर्म पानी और 2 teaspoon इंस्टेंट ईस्ट, ये डाल दें। और इसके बाद डालेंगे 2 teaspoon ही पिसी हुई शक्कर और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए अच्छे से राइज हो जाए। इसके बाद डाल देते हैं 3 cup मैदा। 3 cup मैदा डाल के बस थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद डाल देंगे 2 से 3 teaspoon मिल्क पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर आएगा। और 2 tablespoon के करीब तेल और नमक, 1 teaspoon नमक डाल दें और इसको अच्छे से बस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हाथ से जैसे आटा नहीं गूंथते उस तरह से अच्छे से आपको आटा गूंथ लेना है। इसका एकदम सॉफ्ट सा आटा, देखिए इस तरह से मैंने आटा गूंथ लिया। और इसको बस तेल लगा के 40 मिनट के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ ताकि ये डबल हो जाए साइज़ में। इसको छोड़ दें 40 मिनट। और यहाँ पे है चिकन बोनलेस 250 grams, एक पाव चिकन। और यहाँ पे है एक पैन ले लें, उसमें डाल देंगे प्याज 1 tablespoon से ज़्यादा मेरे पास तेल था। और इसको बस अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाने तक पका लेंगे। 2 बड़ी साइज़ की प्याज ले लें और उसको रफली मैंने चॉप किया है, जैसे कि देख सकते हैं आप। थोड़ी सी और डाल दी मैंने प्याज। अच्छा खासा इसको भूनना है आपने, थोड़ा सा नमक डालने से क्या होगा कि जल्दी से आपकी प्याज ट्रांसपेरेंट होगी, कलर भी अच्छे से आएगा। सिर्फ मुझे यहाँ पे नरम करना है प्याज को इस तरह से। इसके बाद डाल देंगे गोश्त के पीसेस। अभी आप ज़्यादा पका लेंगे तो बाद में ओवन में जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी प्याज। थोड़ा सा बस मैंने इसका कच्चापन चली जाए उस तरह से कर लिया है। और गोश्त डालने के बाद गोश्त का पानी बिल्कुल भी सूख जाए तब तक पका लेंगे। और इसके बाद डाल देंगे हरा मसाला, जिंजर गार्लिक और कोरिएंडर का पेस्ट। इसकी जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। इसके बाद डाल देंगे लाल मिर्च 1 teaspoon और काली मिर्च डाल देंगे 1/2 teaspoon के करीब। अपने हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1 teaspoon वो भी, और ज़ीरा पाउडर 1/2 teaspoon से भी कम। और इसको अच्छे कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। और इसमें डाल देंगे 1 से 2 tablespoon केचप। केचप डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके ठंडी कर लेंगे एकदम फिलिंग को। यहाँ पे आटा राइज हो चुका है 40 मिनट के बाद, देख सकते हैं आप। जैसे कि इसको अच्छे से गूंद लें। अच्छे से गूंदने के बाद इसमें थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे, जिस भी जगह आप बेल रहे हो इस तरह से बस इसको गूंद लेना है आपको। अच्छे से गूंद लें और इसको जैसे रोटी के पेड़े नहीं बनाते पराठों के लिए, उस तरह से पेड़े बना लेंगे। देखिए इस तरह से पेड़े बना लिए हैं मैंने। 3 cup आटे में काफ़ी ज़्यादा बन चुके थे चिकन बंस। ये आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए इस तरह से इसको छोड़ देना है आपको 5 से 10 मिनट। देखिए डबल हो चुके हैं साइज़ में। और इसको बेल लेंगे, थोड़ी सी बस हवा निकाल लूँगी इसमें मैं। और इसको बेल लेंगे जैसे रोटी नहीं बेलते उसी तरह से, सेम मैं इसी तरह से बेल लूँगी इसको। थोड़ी सी बस उतना मोटा भी नहीं उतना पतला, थोड़ा सा बस थिन रखेंगे। देखिए इतना सा, 1/2 inch से भी कम ही है ये। और इसको 4 parts में डिवाइड कर लेंगे। कट करने के बाद थोड़ी सी डाल दें फिलिंग। फिलिंग डालने के बाद इसमें एक तरफ का हिस्सा उठाएं और इसको थोड़ा सा पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद इस तरह से कर लें और यहाँ पे
इस तरह से फोल्ड कर लें। और एक बनाना बता रही हूँ, और एक इस तरह से लेंगे, थोड़ी सी फिलिंग डाल दें। फिलिंग डालने के बाद एक तरफ का कॉर्नर उठाएं, उसके ऊपर रख दें फिलिंग के ऊपर, और पानी लगा दें। फिर इस तरह से रखें, और पानी लगाने के बाद सील कर दें सारा साइडों में। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी बंस। और यहाँ पे बना लिया है 15 मिनट, मैंने इसको रेस्ट भी दे दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे दूध लगा रही हूँ मैं, नॉर्मल जैसे शक्कर का दूध होता है, मीठा दूध घर में जैसे पीते हैं उस तरह से, वो दूध आप लगा दें। और इसके ऊपर डाल देंगे तेल, या फिर ब्लैक तेल, सफ़ेद तेल, जो भी आपके पास मौजूद हो वो डाल दें। मैं यहाँ पे सफ़ेद तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। ओवन मेरा प्री हीटेड था, इसको रख दूँगी मैं 15 से 20 मिनट। देखिए 15 से 20 मिनट में ही अच्छा सा कलर आ चुका है। इसको ब्रश कर देंगे ऑयल, घी या फिर बटर से, कितना परफेक्ट आया है। इस तरह से बनाएं ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें।